क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने आप को फुटबॉल शेप में कन्वर्ट कर लेता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बंदरों को पार्टी दी जाती है, और ऐसे कौन से शख्स हैं जो एक वेटर यानी बेल बॉय को 1.56 मिलियन डॉलर मतलब 11 करोड़ 35 लाख का टिप दिया था। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट आज हम अपने इस वीडियो में अंदर पता करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 13, आर्माडिलो नाम का एक जानवर है जिसका लेयर पत्थर की तरह मजबूत होता है, और वह जब कभी अपने आप को खतरा महसूस करता है तो वह अपने आप को फुटबॉल शेप में कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, आपने मिर्जा गालिब का मशहूर शेर तो सुना ही होगा जो इस तरह से है, हाथों की लकीरों पे मज्जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। जी हाँ, इस शेर को अनाया एलिक नाम की एक छोटी बच्ची है उसने प्रूव करके दिखा दिया है। असल में बात 2016 की है। 2016 में एक नेशनल हैंड राइटिंग कम्पटिशन हुआ था जिसमें 50 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। इन सभी बच्चों को अनाया एलिक ने हरा कर फर्स्ट रैंक हासिल किया और निकोलस मैक्सिम स्पेशल अवार्ड को अपने नाम किया। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, आपको मेरी स्क्रीन पर एक हॉर्स दिख रहा है जिसका नाम सैमसन है। यह दुनिया का सबसे लंबा और भारी घोड़ा है जिसका वजन 1524 किलोग्राम और साइज 7 फीट थी। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि थाईलैंड के लोपबुरी टाउन में हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे मंकी बफेट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। इस फेस्टिवल में करीब 2000 मंकी यानी बंदरों को पार्टी दी जाती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है और उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। उन्हें तरह तरह किस्म के फल, सब्जी और खाने पीने के सामान परोसे जाते हैं और लोग वहाँ पर बंदरों के साथ मस्ती करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो हम मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको रॉबर्ट रिकोर्ट ने इसका इन्वेंशन किया था। जब ये इस सिंबल यानी इसको वर्ड के फॉर्म में से इज इक्वल टू बार बार लिखकर बोर हो चुके थे तब इन्होंने इस सिंबल का इन्वेंशन किया था। फैक्ट नंबर 8, आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लास्ट लेटर ऐड किया गया है वो जे है ना कि जेड। फैक्ट नंबर 7, दिसंबर 16 सन 2017 को केप टाउन की हूट बे ओशन से वापस 20 सालों बाद योशी नाम के एक टर्टल को रिलीज़ किया गया और उसके ऊपर GPS ट्रैकर फिक्स कर दिया गया ताकि इससे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसका वेट 183 किलोग्राम है। केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया तक महज 2 साल के अंदर 35,400 किलोमीटर तैर कर इसने एक रिकॉर्ड बना दिया। और क्या आपको पता है कि योशी एक फीमेल टर्टल है, इसने ये प्रूव कर दिया, फीमेल्स आर नॉट वीक बट मदर ऑफ ब्रेव। दैट्स इनक्रेडिबल फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जॉर्ज वुड जिनकी उम्र 62 ईयर्स है उन्होंने प्लैंक होल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो प्लैंक फॉर्म में 8 घंटे 15 मिनट 15 सेकंड तक बने रहे और ऐसा करना एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अगर आप प्लैंक फॉर्म में कर रहे हैं तो अपने आप को, तो आप मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट तक कर पाएंगे। प्लैंक एक्सरसाइज जो कि एक एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बॉडी वेट की ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मल्टीपल मसल्स ग्रुप को टारगेट करती है। यानी ये एक्सरसाइज करने से आपके फ्रंट मसल, सिक्स पैक, कोर मसल्स, डेल्टॉइड्स और बैक बिल्ड होता है। फैक्ट नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम में ड्राइव करते समय अगर आप जानबूझकर किसी के ऊपर पानी या कीचड़ उछालते हैं तो आपको 100 से 5,000 pounds जुर्माना देना पड़ेगा और ऐसा करना वहाँ पर गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 4, जी और जेड फॉर जेब्रा। क्या आपको पता है कि जेब्रा के ग्रुप को डैजल और जील कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको स्क्रीन पर क्लाउड दिख रहा है, यह क्लाउड दिखने में कितना अजीब और भयानक सा है। इस टाइप के क्लाउड को ममटस क्लाउड कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा ओले और भारी बारिश होने वाली होती है तब इसका फॉर्मेशन होता है।
फैक्ट नंबर सेकंड, क्या आपको पता है कि सन 1564 में मुगल काल में बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत और आर्किटेक्चर में सबसे खूबसूरत एक शाही ब्रिज है जो कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जौनपुर ज़िले में गोमती नदी के ऊपर लोकेट है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ब्रिज मेन शहर को जोड़ता है, इस पर लाखों की तादाद में लोगों का आना जाना होता है। ये ब्रिज आज से करीब 450 साल से भूकंप बाढ़ तूफानों का सामना कर सीना ताने हुए अपने शाही अंदाज में शहर को संभाले हुआ है। इसके ऊपर दोनों साइड हेक्सागन शेप का छतरी या रूम बना हुआ है ताकि राहगीर इसमें आराम कर सके। और क्या आपको पता है कि रात के वक्त इस ब्रिज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। इस ब्रिज को अकबरी ब्रिज, मुगल ब्रिज, आर्क ब्रिज और मुनीम खान ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स गजब आर्किटेक्चरिंग। फैक्ट नंबर फर्स्ट, $1.56 मिलियन यानी 11 करोड़ 35 लाख रुपए का टिप जो एक बेल बॉय यानी वेटर को दिया गया है। बात है 1922 के, जब फिजिक्स के मशहूर साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जापान के दौरे पर थे, उस वक्त उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो जापान के इंपीरियल होटल में ठहरे हुए थे, अचानक एक बेल बॉय मैसेज लेकर दरवाजे पर आता है। बेल बॉय को टिप देने के लिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जेब में उस वक्त कुछ नहीं था। तब उन्होंने होटल का पेपर उठाया और उस पर थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस लिखा जो कि उनका पर्सनली थॉट्स था। उसे दो पेपर पर लिखा और बेल बॉय को दे दिया। बेल बॉय इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मतलब सोचने की बात है, इतने बड़े फिजिसिस्ट के थॉट्स यानी टिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आखिरकार बहुत समझाने के बाद उसने इनके इस टिप को एक्सेप्ट कर लिया। जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इनको टिप दे रहे थे तो बोले, अगर तुम लकी होगे तो तुम्हारा यह टिप रोज के टिप से बहुत ज्यादा कीमती होगा। दोनों थॉट्स यानी पेपर्स को $1.56 मिलियन में नीलामी करके बेचा गया। पहले पेपर के थॉट जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पहला थॉट, मतलब जो पहले पेपर का थॉट था, कुछ इस तरह से है, अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन द परस्यूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस। और दूसरे पेज पर, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, यानी इनके दो थॉट्स करीब 11 करोड़ 35 लाख रुपए में बिके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।